गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आई होप यू ऑल आर फाइन आई एम प्रीति मलिक यू आर आई टी टीचर वेलकम यू टू माई क्लास वी वर डूइंग आवर फर्स्ट यूनिट विच इज़ फंक्शन इंग्लिश एंड वी हैव डन थर्टीन सेशन ऑफ फंक्शन इंग्लिश एंड वी हैव ऑल्सो डन फोर रिव्यू सेशन लास्ट टॉपिक वी हैव डन वॉज हैंडलिंग एंड एंग्री कस्टमर कोई कस्टमर एंग्री है गुस्से में है अगर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड गुस्से में वो सी एस आर के पास या सेल्स पर्सन के पास कॉल करता है तो बींगे सी एस आर आपको उसे कैसे हैंडल करना चाहिए जो कस्टमर बहुत इरीटेटेड है या गुस्से में है या अपसेट है इसी के बेस पे हमारा आज का सेशन है सेशन नंबर फोर्टीन आज का हमारा टॉपिक है हैंडलिंग कस्टमर क्वेरीज कस्टमर की अगर क्वेरी है किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड या किसी सर्विस से रिलेटेड अगर उसको कोई इशू है उसे कोई सर्विस चाहिए या कोई प्रॉब्लम है वो शेयर करनी है उनकी कोई क्वेरीज़ है आप उन्हें कैसे हैंडल करोगे फॉर एग्जांपल अगर आप एक कस्टमर सर्विस या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो तो आपको बहुत सारी क्वेश्चंस को आंसर करना होता है बहुत सारी क्वेरीज़ को आंसर करना होता है जो कस्टमर के द्वारा पूछी जाती हैं तो कुछ फ्रीक्वेंटली कुछ ऐसी स्टेटमेंट होती है आप फ्रेजेस बोल सकते हो जो एक सेल्स पर्सन के द्वारा यूज़ किए जाते हैं उनमें से कुछ यहाँ पे दिए गए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हाउ कैन आई हेल्प यू मैम और सर मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ इज दर एनी थिंग एस आई कैन हेल्प यू विद क्या इसके अलावा और कुछ आपकी सर्विस या कोई प्रॉब्लम है जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ ऑफकोर्स आई कैन हेल्प यू विद डेट अफकोर्स मैं इस चीज़ में आपकी हेल्प कर सकता हूँ इट इज़ माई प्लेजर मैम और सर ये मेरे लिए खुशी की बात है इट वॉज़ अ प्लेजर सर्विंग यू मैम और सर आपकी सर्व करना आपकी हेल्प करने में मुझे बहुत खुशी हुई आई एम ग्लैड आई कुड हेल्प इज़ देयर एनी थिंग एल्स यू हैड लाइक टू नो मैम और सर मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपकी हेल्प कर पाया इसके अलावा क्या और भी कुछ है जिसमें जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो इसी तरह से कस्टमर जब आपके पास कॉल करता है उनकी कोई क्वेरीज होती है जब आप उनकी क्वेरीज को सोल्व कर देते हो या वो आपकी हेल्प चाहते हैं इनमें से कोई भी स्टेटमेंट है या फ्रेजिज है आप यूज़ कर सकते हो जब कस्टमर है अप्रोच करता है सीएसआर के पास कॉल करता है तो सबसे पहले बींग ए गुड सी एस आर या सेल्स पर्सन आपको क्या करना चाहिए पोलाइट वे में कस्टमर को सबसे पहले ग्रीट करना चाहिए उसके बाद पोलाइट वे में बोलना चाहिए हाउ कैन आई हेल्प यू मैम और सर मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ उसके बाद नेक्स्ट क्या है अगर लास्ट में मान लो कस्टमर ने कोई क्वेरी की प्रॉब्लम सोल्व हो गई आपने उसको असिस्ट किया जो भी क्वेरीज थी कस्टमर के क्वेश्चंस थे आपने उनको आंसर किया लास्ट में आप उनको क्या बोल सकते हो कि अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए किसी और सर्विस या प्रोडक्ट से रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हो या फिर इन फ्यूचर में भी आप मुझसे असिस्टेंस ले सकते हो आप मेरी हेल्प ले सकते हो मुझे बहुत खुशी होगी तो हमेशा इसके अलावा अगर कस्टमर लास्ट में जब सेल्स पर्सन को या सीएसआर को थैंक यू बोलता है मान लो कस्टमर ने आपसे कोई क्वेरीज की जो उन्हें प्रॉब्लम थी इश्यू थी आपने उनको सोल्व कर दिया तो लास्ट में कस्टमर क्या करता है सेल्स पर्सन को या कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव को थैंक्स बोलता है थैंक यू करता है उनकी सर्विस के लिए तो आपको उनको क्या रिप्लाई करना चाहिए कि इट वाज ए प्लेजन सर्विंग यू मैम सर आपको सर्व करके आपके सर्विस करके मुझे बहुत खुशी हुई या फिर आप बोल सकते हो इट इज़ माई प्लेजर और सर ये मेरे लिए खुशी की बात है इंस्टेड ऑफ़ सेइंग यू आर वेलकम और सर मान लो नॉर्मली क्या होता है कोई हमें थैंक यू बोलता है तो हम उसको बोलते हैं यू आर वेलकम लेकिन अगर आप एक सी एस आर हो कस्टमर जब आपको थैंक यू बोलता है इंस्टेड ऑफ सेइंग यू आर वेलकम आपको बोलना चाहिए इट वाज प्लेजर सर्विंग यू ओके उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स दिए गई है जो बींग ए सी आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए जब आप कस्टमर की जो क्वेरीज होते हैं उनको आंसर करते हो तो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं आपको उन पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले आता है लिसन एक्टिवली जो कस्टमर जो कुछ भी कह रहा है आपको अटेंटिव होकर उसे अच्छे से सुनना है यही इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कस्टमर के साथ आप बात बात कर रहे हो उनके साथ टॉक कर रहे हो सबसे ज़रूरी होता है कि आप अटेंटिवली उनकी बात को सुनो ताकि कस्टमर को भी ऐसा लगे कि आप उनकी बातों को सुन रहे हो उनकी जो वो कह रहे हैं आपका उन पर फोकस है नेक्स्ट थिंग जो आती है वो है पैराफ्रेज पैराफ्रेज का मतलब आप सभी जानते हो कि जो भी सामने वाले पर्सन ने किया बोला है उसी सेम सेंटेंसेस को अपने वर्डिंग्स में रीस्टेट करना तो इससे क्या होगा अगर कस्टमर ने आपको कोई इशू बताया अगर उस इन्फॉर्मेशन को आप रीस्टेट करके उनके बताते हो तो कस्टमर को ऐसे लगेगा कि आप ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुन रहे हो जो वो कहना चाह रहे हो वो आप तक पहुंच रहा है इससे कस्टमर को ये भी हो जाएगा आप पूरे अटेंशन के साथ उनकी बातों को सुन रहे हो नेक्स्ट थिंग जो आती है प्रोवाइड प्रैक्टिकल डिटेल्स अगर कस्टमर कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है मान लो उन्हें कोई कुछ सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है कोई प्रोडक्ट है उसे ऑपरेट करना नहीं आ रहा है तो बीइंग बींग सीएसआर आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कस्टमर को ताकि वो अच्छे से समझ पाए प्रोडक्ट को और वो सर्विस से सेटिस्फाई हो सके नेक्स्ट थिंग जो आती है जो हर एक अगर किसी भी जॉब में आप हो अगर आप किसी को कोई भी चीज़ प्रेजेंटेशन दे रहे हो या कोई क्वेरीज सोल्व कर रहे हो अगर आप सेल्स पर्सन हो या फिर आप एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव हो जो नेक्स्ट थिंग जो पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्माइल मान लो कोई कस्टमर है आपसे फ़ोन पे बात कर रहा है वो आपको देख तो नहीं सकता लेकिन हमारी आवाज़ से पता चल जाता है कि हम उनसे कैसे बात कर रहे हैं तो हमेशा जब भी आप कस्टमर से बात करते हो स्माइल के साथ बात करनी है क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कस्टमर को कि आप उनकी बातों को अटेंटिवली सुन रहे हो आप उनमें इंटरेस्ट ले रहे हो उनकी क्वेरीज में उनको ऐसा ना लगे कि आप बस उनको सर्विस करने के लिए जल्दी से उनकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दो या फिर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो तो हमेशा बिंग एस ये साथ जब भी कस्टमर आपके पास कॉल करता है आपको स्माइल के साथ उनसे बात करनी है ये कोई मैटर नहीं रखता कि आप एक सी हो तो आपका दिन कैसा आप फेस कर रहे हो आप अपसेट हो या आपको कोई प्रॉब्लम है हमेशा आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कस्टमर अगर आपके पास कॉलता कॉल करता है तो आपको स्माइल के साथ उनके साथ बात करनी है और उन्हें राइटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ताकि उनका जो एक्सपीरियंस है कस्टमर का वो एक अच्छा अनुभव रहे नेक्स्ट थिंग जो आती है वो है आपकी एक्सरसाइज एक्सरसाइज में कस्टमर क्वेरीज के ऊपर एक रोल प्ले दिया हुआ है उसमें कहीं कहीं फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और कहीं कहीं पे कुछ लाइंस को या कुछ वर्ड्स को इटैलिक किया गया है आपको क्या करना है जो सेंटेंसेस इटैलिक किए गए हैं उनको रीअरेंज करना है ताकि मीनिंगफुल सेंटेंसेस बन जाए और वो कन्वर्सेशन जो है वो आपको कम्प्लीट करनी है इसके ऊपर वी विल डू रोल प्ले नेक्स्ट दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच एक रिपोर्टेड स्पीच दी गई है तीन तीन ऑप्शन दिए गए हैं आपको उनमें से चूज करना है कि डायरेक्ट स्पीच कौन सी है जिसको चेंज करके जो ऊपर वाला सेंटेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंज हुआ है तो डायरेक्ट स्पीच आपको चूज करनी है ये एक्सरसाइज आपको नोटबुक के अंदर भी करनी है फोर सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें आपको तीन तीन ऑप्शंस हैं जो आपको सही लग रहा है सेंटेंस वो आपको देखना है कि डायरेक्ट स्पीच कौन सी है नेक्स्ट दी गई है आपकी असेसमेंट इसमें डायरेक्ट स्पीच दी गई है आपको उस डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंज करना है एग्जाम्पल के लिए दो सेंटेंस करके भी दिखाए गए हैं फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच क्या है अनुष्का शेल आई गिव द प्रेजेंटेशन फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें नोटिस करोगे तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो ऑब्वियसली आस्ट आ जाएगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अनुष्का आस्ट इफ़ शी शुड गिव द प्रेजेंटेशन सेल की पास्ट फॉर्म क्या होती है शुड नेक्स्ट है मैनेजर यस अनुष्का यू शुड गिव द प्रेजेंटेशन तो इसका रिपोर्टेड स्पीच क्या हो जाएगा द मैनेजर मैनेजर ने अनुष्का को बताया द मैनेजर टोल्ड अनुष्का दैट सी शुड गिव द प्रेजेंटेशन इसी तरह से जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं डायरेक्ट स्पीच के अंदर दिए गए हैं आपको उन्हें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंज करना है इजी एक्सरसाइज है आप इससे पहले भी नरेशन हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कर चुके हो तो ये सभी के सभी असेसमेंट और एक्सरसाइज आपको अपनी फेर नोटबुक के अंदर भी करनी है फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए या कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा आज के सेशन में हमने क्या किया है कि जो भी कस्टमर अगर सी के पास कॉल करता उनके है उनकी कोई क्वेरी है तो बींग ए गुड सी एस आर आपको कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कस्टमर की क्वेरीज को हैंडल करना है और कौन से सेंटेंसेस हैं जो आपको कस्टमर से कन्वर्सेशन करने के टाइम यूज़ करने चाहिए ओके स्टूडेंट हैव ए नाइस डे टेक केयर